हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकुंद और आप सबको स्वागत है हमारे एमएम एक्सक्लूसिव चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं फिर से एक लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से कैसे आप घंटों के काम को चुटकियों में कर सकते, यानी कि जो काम करने में आपको फोटोशॉप में 4 से 5 घंटे लगेगा वो 5 सेकंड में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मान लो कि आपका एक फोटो है और उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारा लोग दिख रहा है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप एक फोटो में खड़े हैं और बगल में कोई दूसरा खड़ा है और आप उसको हटा करके किसी दूसरे का फोटो लाना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। मान लो कि आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उसको हटा करके कुछ दूसरा एनिमल यानी कि शेर लाए, तो आप ये चुटकियों में कर सकते हैं। उसको सांस लेने दे। तो बहुत ही मजा लग रहा है ना दोस्तों ये वीडियो देख करके। तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपका लाइफ का बहुत ही कीमती समय बचने वाला है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पूरा फुल वीडियो लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले हमें गूगल पे आना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है एडोब फायर फ्लाई। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग सर्च करेंगे तो एक इस टाइप का हम लोगों को पेज मिलेगा। यहाँ पे पहला वाला जो लिंक है इसमें क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, टेक्स्ट टू इमेज, जनरेटिव फील, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ऐसा बहुत सारा नीचे और भी देखिए ये सब ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पहला वाला जो है टेक्स्ट टू इमेज ये वाला आपको दिखाता हूँ। मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वही इमेज पे आप इमेज आपका क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन लिखा है टेक्स्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ ए मैन स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। तो जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे वही वाला पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में जनरेट ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए मैंने लिखा था और वही यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो देखिए मैं अगर उसको चेंज करूँगा तो दूसरा आएगा, जैसे मुझे लग रहा है कि ये ट्री नहीं, ये मैंगो ट्री चाहिए। तो चलिए मैंने इसको यहाँ से मैंगो ट्री कर दिया और यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ एंटर। आप देखो ए मैन स्टैंडिंग अंडर ए मैंगो ट्री। तो देखिए मैंगो ट्री का जब हम लिखेंगे तो मैंगो ट्री का ये आ गया। तो देखिए इनमें से जो फोटो मेरा ये वाला फोटो अच्छा लगा, तो मैं अगर इसको चाहूँ तो यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे ये जो है कंटिन्यू कर दिया, बस ये फुल एचडी में जो है आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए सेव हो गया, है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट जो है ना ये वाला ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखिए ये जेनरेटिव फील जो ऑप्शन है इसको आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज पे आपको कोई भी एक फ़ोटो पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक दोस्त के साथ दो हूँ, ये वाला एक फ़ोटो मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मुझे ये जो दोनों दोस्त हैं ना, ये दोनों को हटा करके मेरा सिंगल एक फ़ोटो लेना है और वही बैकग्राउंड रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है ऐड और रिमूव दोनों ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लास को साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, तो इसको लेकर के मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से ग्लास को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें सुविधा हो। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों का पिक्चर जो है मुझे हटा करके मुझे सिर्फ बैकग्राउंड जैसा अगर बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड यहाँ पे लाना है और मेरा सिंगल फोटो यहाँ पे लाना है, जो कि फोटोशॉप में करने में आपको 4 से 5 घंटा समय लग सकता है या फिर भी वो परफेक्शन नहीं आ सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, 1 क्लिक के अंदर AI के माध्यम से हो सकता है। देखिए रिमूव में जाना है और यहाँ पे जो रिमूविंग ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिक आपके पास अब ये वाला हट जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगा। देखिए और यहाँ पे देखिए एक नहीं 3-3 ऑप्शन भी आपको दे रहा है, चाहे तो आप दूसरा कुछ भी चूज कर सकते हैं। देखिए पहले वाला में ये है, सेकंड वाला में आपको देखिए कुछ इस तरह का दिया, थर्ड में अगर देखेंगे देखिए मैचिंग कितना अच्छे से हुआ, जो कि फोटोशॉप में करना उतना ईजी नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए जो कि AI के माध्यम से हम लोग तुरंत कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्लिक करना है, उसके बाद अगर आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जा करके कंटिन्यू कर दीजिएगा तो जो क्वालिटी में आपका फोटो है वही AI क्वालिटी में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को।
तो चलिए यहाँ से इसको देख लीजिए, आ गया फोटो। इसको फिर से थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और यहाँ पे जो है अपलोड इमेज पे जा करके मैं दूसरा एक फोटो सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो कि मेरा एक दोस्त के साथ है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, फास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया था, इसको छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको जो है सब्सक्राइब करके ज़्यादा ये हो गया था, रिमूव हो गया था। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैं उसको हटा करके एक मैं देखिए आपके पास रिजल्ट सामने है। मैं चाहूँ तो किसी को भी हटा करके कोई दूसरा यहाँ पे फोटो ऐड कर सकता हूँ, ये बहुत ही ईजी है AI के माध्यम से। तो देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था, इतना अच्छे से वहाँ पे आपको ये हो जाएगा। चलिए फिर से एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो चलिए मैं घोड़ा को रिमूव करके दूसरा चीज़ लाना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं घोड़ा को पहले रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो सेटिंग ऑन ए लायन, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए जनरेट कर दिया मैं जनरेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास रिजल्ट है, आप देखिए मैंने लायन लिखा तो यहाँ पे देखो तीन लाइन यहाँ पे दे दिया कि जो चाहे आपका जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मुझे यहाँ पे कुछ और भी थोड़ा सा ये करना है, मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक यहाँ पे है, मतलब जो मैं घोड़े पे था वहाँ पे रस्सी था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक चेन होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि चेन इंसर्ट में जाकर के यहाँ पे लिखना है सिर्फ चेन, तो यहाँ पे चेन आ जाएगा। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपका बेल्ट नहीं है आप बेल्ट लगा सकते हैं, अगर वॉच नहीं है तो वॉच लगा सकते हैं, कुछ भी एक फ्लावर चाहिए फ्लावर जो आप लिखेंगे वहीं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए चेन यहाँ पे आ गया, तो एक दो तीन ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रहा है, कौन सा चेन आपको अच्छा लग रहा है जो मैच कर रहा है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए मेरे को ये वाला अच्छा लगा तो मैं इसको ले लिया और यहाँ पे डाउनलोड भी कर देता हूँ। तो चलिए देखिए फुल HD में डाउनलोड हो गया, इनको बार बार मैसेज आ रहा था, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम से ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए और क्वालिटी भी देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, देखिए एकदम फुल HD में है, देखिए बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पहले घोड़े में था और देखिए यहाँ पे लायन हो गया, तो ये इतना अच्छे से काम हो रहा है कि आप क्या बताएं, जो कि बहुत टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इफेक्ट और भी बहुत सारा नीचे जो है ऑप्शन है, लेकिन आज इतना नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कुछ अच्छा आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलिए फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो काम करने में आपको फोटोशॉप में 4 से 5 घंटे समय लगता था वो आप 5 सेकंड में कर सकते हैं AI के माध्यम से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक ऐसे ही लेटेस्ट और जबरदस्त वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।